सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़, वहीं का रुख कर रहे हैं। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा, क्या आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भी छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया, लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का माइका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला आगमन, रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है, और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा, और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में सदैव अटल जी की सरकार रही हो, या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था, और पहले चित्रकूट आए और फिर दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए, और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे वहां।